नमस्कार, मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भगवद गीता लेके आ रही हूँ। इसको मैंने एक एक अध्याय करके छोटे छोटे भागों में आप लोगों को सुनाने का प्रयास किया हूँ। आगे भी इसको आप लोग सुनना चाहते हैं पूरा श्रीमद् भगवद, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। द्वादश अध्याय। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे प्रभु, तुम्हारे कुछ भक्त तुम्हारे इस कमल नयन के उपासक है, कुछ तुम्हारे आश्चर्य रूप के उपासक है और कुछ तुम्हारे अक्षर अविनाशी रूप के और एक तुम्हारा जो अनिर्देश रूप है, जो मन वाणी से परे है, कुछ उसकी उपासना करते हैं। इन सब में चतुर उपासक कौन है, हे प्रभु जी यहाँ बताए। अर्जुन की विनय मानकर श्री कृष्ण भगवान जी बोले, हे अर्जुन, जो मेरा कमल नयन प्रकट रूप है, मन को एकाग्र करके परम श्रद्धा से जो इस रूप के उपासक है, मेरे मत से वहाँ भक्त श्रेष्ठ है और चतुर भी। अब दूसरों की बात सुन। प्रथम रूप अक्षर अविनाशी है, तिनकी महिमा मन वाणी पर नहीं आती, जीवा द्वारा व्यक्त नहीं होती, इसे अनिर्देश कहते हैं। जो नेत्रों से ना देखा जाए उसे अव्यक्त कहते हैं। सर्वव्यापी जो है, मन से तिसका प्रताप चित्तविय नहीं जाता, इस कारण से अचिंत है, उसमें कोई विकार नहीं, कभी घटता नहीं, कभी बढ़ता नहीं, कभी स्थान से चलता फिरता नहीं, इसी से अचल है। जो किसी से हिलाया ना हिले, इसी कारण से ध्रुव कहलाता है। यहाँ 8 प्रताप मेरे अव्यव्य स्वरूप के हैं। जो कोई इनकी उपासना करता है उसके लक्षण सुन। जिस साधनों से अव्यव्य रूप प्राप्त कर सकते हैं, उसमें 3 साधना करने योग्य है। मुख्य तो सभी इंद्रियों का संयम है, इंद्रियों का जीतना और सबके साथ प्यार और ममता रखना, साथ ही प्रयत्न करना कि हे अविनाशी पुरुष, सब जीव सुखी रहे। इन साधनों को करके अवगति स्वरूप का उपासक अवव्य, जो कि मैं ईश्वर हूँ, वहाँ मुझको पाता है। अब अर्जुन, हे अर्जुन, अवगति स्वरूप के जो उपासक है, उनको बहुत कष्ट अर्थात कलेश है और समत दृष्टि भी कठिन है। अतः जो कोई पूजा करे उसका भी भला चाहना और जो पूजा ना करे उसका भी भला चाहना। यहाँ जितने भी देहधारी जीव है, वहाँ उनका कठिन साधन है। तिनके पाने के निमित्त यहाँ कठिन साधना क्या है, सो तू देखने का नहीं, देख कर क्या सुख पावे। वचनों से बोलकर जिसकी महिमा कही नहीं जाती, ऐसी जीवा किस सुख को पाकर सुख पाएगी। और जो मन चिंतन नहीं करता, अपना ही चिंतन करता है, इससे जितने भी देहधारी है, उन्हें अव्यक्त की उपासना में कष्ट होता है। हे अर्जुन, मेरे कमल नयन के जो उपासक है, अब उनकी बात सुन। मैं जो देवकी नंदन यशोदा नंदन नंदक नंदा परम सुंदर आनंद का समुंदर हूँ, जो मेरे इस रूप के उपासक है और मेरे शरण में आए हैं, जिनके सभी कर्म मुझे समर्पित है, जैसे उनका वहाँ कहना है, भगवान मैं तेरा दास हूँ, हर समय मुझको समर्पण कर मेरा शीत प्रसाद जानकर खाते हैं, हर समय मेरा ही ध्यान मेरा ही स्मरण करते हैं कि हे गोविंद जी, विष्णु पद गाना मेरा भजन कीर्तन करना, जो इस प्रकार आनंदित होकर मेरा भजन मेरी उपासना करते हैं, उनके साथ मैं कैसा हूँ। यहाँ सुन, संसार जो दुख रूप जन्म मरण का घर है, उसमें मैं उद्धार करता हूँ, तत्काल ही मुक्ति करता हूँ। याद करता है मुझे जो मन लगा, ध्यान करता है जो मेरी जात का, मेरी पूजा में लगाए अपना तन और दिल से भी करे मेरा भजन, कर पकड़ कर उसको कर देता हूँ पार, डूबता हो जो समुंदर के मंझार, फिर नहीं आएगा वहाँ संसार में, लीन हो जाएगा मेरे दीदार में। जिन पुरुषों ने मेरे में मन का निश्चल चेता रखा है, हे अर्जुन, मेरे उपासक जो सेवक है, उनके लिए यही साधना करने योग्य है। पहले तो मन को एकाग्र करके मुझ में लगाना और बुद्धि भी मुझ में ही लगाना, ये दोनों साधना मेरे भक्तों को करने योग्य है। इससे अच्छा मुझे प्रसन्न करने का कोई साधन नहीं है। मेरे भक्त को इसके अतिरिक्त कुछ करना भी नहीं चाहिए।
हे अर्जुन, तू केवल मन को एकाग्र करके मेरा स्मरण कर, इसके अतिरिक्त तुझे कुछ नहीं करना। यदि मेरे अतिरिक्त तेरा मन किसी दूसरी ओर भटके तो उसे बुद्धि के द्वारा रोक और मेरे में निश्चल कर, इसका नाम अभ्यास है। हे अर्जुन, जो अभ्यास योग ना किया जाए और मन में मेरा ध्यान ना लगे तो प्रातःकाल से रात सोने तक मेरा स्मरण कर, मेरी पूजा कर, मेरी पूजा से ही तू संसार में मुक्त होगा। और यदि पूजा भी ना कर सके तो दोनों हाथ जोड़कर मेरे चरण कमलों को नमस्कार कर। मुख से ऐसा कह कि हे श्री कृष्ण भगवान जी, मैं तेरी शरण में हूँ। जब तू इस प्रकार मेरी शरण में आएगा तो मन मेरे चरणों में निश्चल हो जाएगा। हे अर्जुन, मन का निश्चल चेता मेरे में रख, यह मार्ग बहुत कल्याण का है। इसे अभ्यास योग कहते हैं। इस अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। कैसा ज्ञान? मेरी महिमा का कहना और सुनाना। और इस ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान लगाकर मुझसे जुड़ना। जब मेरे ध्यान के साथ जुड़ता है तो सभी कर्मों के फल त्यागते जाते हैं, क्योंकि जो मेरा भक्त होता है वहाँ सत स्वरूप है। और जो कोई मेरा भक्त सत्य पद को पाता है उसके लक्षण सुन। किसी का बुरा न चाहने वाला, सबका मित्र बनकर रहने वाला, वहाँ अहंकार ममता से रहित होकर कहे कि ना कुछ मेरा है ना मैं कुछ हूँ, सब परमेश्वर का है। जो दुख सुख में एक सा रहे, क्षमावंत, सदा संतुष्ट, प्रसन्न, निरंतर मेरे साथ जुड़ा हुआ, संसार के विषयों में आत्मा को जीत कर रखे, मेरे साथ दृढ़ निश्चय चेता रखे, बुद्धि को भी मुझ में दृढ़ रखे, मेरे जो भक्त इस प्रकार मेरा भजन करते हैं वहाँ मुझे पा लेते हैं, वो निर्भय हो जाते हैं, अच्छे बुरे वस्तु पाकर हर्षा या शोक नहीं करते। ऐसा जो मुक्त रूप है वही मुझे प्यारा है, जो किसी वस्तु की इच्छा ना करे। देह को वहाँ जल मृतिका से पवित्र रखे और अंतकरण मेरे भजन से पवित्र रखे। उज्जवल मति से मुझे अविनाशी जानकर संसार के प्राणियों से उदास रहे। जिसने संसार के सब सुख आराम त्याग दिए है वहाँ मुझे प्यारा है। जो खोई वस्तु की चिंता नहीं करता और मिली वस्तु की इच्छा नहीं करता, जिसने संसार के भले बुरे को त्याग दिया है, मेरे चरणों के साथ ही प्रीति है जिसकी, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। शत्रु मित्र जिसके लिए एक समान है, आदर अनादर में जो एक सा है, जो शीत उष्ण और दुख सुख में एक सा है, जो दूसरे का संग नहीं करता और निर्बंधन रहता है, स्तुति निंदा में जो विचलित नहीं होता, जो मेरे नाम के बिना जिह्वा से कुछ नहीं बोलता, जो हर प्रकार से संतुष्ट है, जो घर बनाने का आरंभ ना करे और बनी हुई जगह पर बैठकर मेरा भजन करे, संसार की तरफ से उदास रहे, मेरे चरणों के साथ दृढ़ निश्चल हो, मेरे साथ ही प्रीति करे, ऐसा जो प्राणी है सो मुझे प्यारा है। हे अर्जुन, यह साधन मैंने अपने भक्तों को उपदेश किए हैं। इन साधनों का नाम अमृत धर्म है। जैसे अमृत पान करने से कोई रोग नहीं रहता, जीव अमर हो जाता है, वैसा ही मेरा यहाँ अखंड ब्रह्म रूप है। ऐसे ही अमृत रूपी साधन मैंने अपने भक्तों को यथार्थ धर्म कहे हैं। श्रद्धा से जो भजे मम, सुने जो उपदेश, धर्म अमृत का पान करे वहाँ प्रिया भगत नरेश। जो परम श्रद्धा से इन धर्मों की उपासना करता है वहाँ भक्त मुझे अति प्यारा है।